हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और पिंकी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस लगती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने भिंडी लिया है, फ्रेश भिंडी है छोटी वाली, और इसको वॉश करके सुखा ली इसका पानी। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हम दोनों पार्ट से इसको कटिंग करके हटा देंगे और एक चीरा लगा देंगे बीच से। इसको पूरा कट करके नहीं हटाना है, हल्का सा चीरा लगाना है। ये देखिए, ऐसे ही सारे पीसेस को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस को कट कर लिए हैं और एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम लेंगे एक बाउल और अब हम सारे भिंडी के पीसेस को इसमें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें हम 2 बड़े चम्मच डालें चावल का आटा, एक क्रिस्पीनेस के लिए, ये ऑप्शनल है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डाल रहे हैं कश्मीरी मिर्च पाउडर अच्छा से कलर आने के लिए। और हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाले हैं इसमें, 1 चम्मच हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। और इन सबको हम मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बैटर में मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से भिंडी को, कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ये देखिए, मैंने तैयार कर लिए हैं सारे मसाले। अब हम इसमें इस जो अंदर से हम चीरा लगाए थे ना, उसमें भी हम अच्छे से मसाले को भर देंगे ताकि अच्छे से मसाले अच्छे से भिंडी में अब्सॉर्ब हो जाए और टेस्टी कुरकुरी भिंडी बने अच्छे से। देखिए, मैंने खोल खोल के इसके अंदर अच्छे से मसाले को स्टफ कर देंगे। स्टफिंग करने से अच्छे से क्रिस्पी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो एक एक करके सारे भिंडी के पीसेस को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और फ्लेम को लो से मीडियम पे रखेंगे ताकि अच्छे से हमारी भिंडी पक जाए। और कौन कौन सी रेसिपी आपको पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ट्राई करूँगी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। देखिए, मैंने सारे पीसेस को इसमें डाल दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको हम करेंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर रहे हैं तब ऊपर से भी अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम को हम लो कर दिए हैं और ये देखिए, एक तरफ से अच्छे से कुक हो गई है तो दूसरे तरफ से भी हम इसको पलट के पका लेंगे। चम्मच की मदद से हम एक एक करके पलट रहे हैं। बढ़िया कलर आ गई है और एक तरफ से क्रिस्पी भी हो गई है। आप इसको पराठे के साथ खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन पराठे के साथ ज़्यादा ही टेस्टी बनती है, और ऐसे बनाएंगे तो बच्चे भी खा लेते हैं।
सारे पीसेस को हम ऐसे ही पलट देंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं भिंडी के पकौड़े के, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से पलटते हुए सारे भिंडी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और फ्राई हो गए हैं। अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है कुरकुरी भिंडी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।